हाँ जी तो आज हम एक क्वेश्चन मैंने उठाया है सी एस आई नेट जून 2017 में पूछा गया था ये ठीक है क्वेश्चन uh, हमसे क्या पूछ रहा है कि uh, हमें जो देख के रखा है कि वी आर गिवन ए एंड बी आर टू रियल एंड इन्वर्टेबल मेट्रिस ठीक है सच दैट ए बी इज इक्वल नेगेटिव टाइम्स बी ओके देन हमने बोलना है कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगी और ट्रेस ऑफ बी क्या होगी तो डिफरेंट ऑप्शन हैं इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा करेक्ट आएगा ठीक है तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेस ठीक है तो इसको हम इसका सोल्यूशन इसके सोल्यूशन पॉइंट्स हम देखेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला यहाँ पे की पॉइंट है कि मैट्रिस uh, जो है इन्वर्टेबल है और ये एंटीकोम्यूट करते हैं ठीक है थीके? ये दो की पॉइंट्स रहेंगे अब मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन ए बी इज इक्वल नेगेटिव बी अब इन्वर्टेबल बोला है तो इसका मतलब है ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं लिखूंगा ए बी फिर बी इनवर्स और यहां पे माइनस बी ए और फिर इनवर्स यानी मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स से तो आप यहाँ पे बी और बी इनवर्स को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट कर सकते हो ठीक है यूजिंग दैट यहाँ पे तो ये ऐसे रहेगा बी ए बी इनवर्स तो ये क्या बनेगा यहां पे इट विल बिकम ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो ए आएगा दिस इज एज इट इज इट इज बी ए एंड बी इनवर्स ठीक है ना मैं ट्रेस दोनों साइड से अप्लाई कर रहा हूं ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल ट्रेस ऑफ नेगेटिव बी ए बी इनवर्स सो so, यहाँ पे ये ट्रेस ऑफ ए आएगा नेगेटिव टाइम्स ट्रेस ऑफ बी ए बी इनवर्स के तो यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ट्रेस की यूज की इट ट्रेस ऑफ के ए दैट स्केल ऑफ मल्टीपल ऑफ ए इज इक्वल के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए ठीक है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की ये माइनस बाहर निकालने के लिए ठीक है देन आई विल राइट इट इट्स माइनस टाइम्स ट्रेस ऑफ अगेन राइट इट एज बी इनवर्स बी ए यहां पे आप समझ गए होंगे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इस मैट्रिक्स को इनवर्स को अलग ट्रीट करके और इसको एक ट्रीट करके ठीक है मैंने क्या यूज किया ट्रेस ऑफ ए बी इज ट्रेस ऑफ बी ए ठीक है इसी तरह से मैंने यहां पे इसको उठा के इधर एंड अब ये और ये मिल के बनेंगे आई तो मेरे पास आएगा ट्रेस ऑफ ए खाली क्योंकि ये बनेगा ट्रेस ऑफ ए सो दिस विल बिकम ये क्या बनेगा टू आईस ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल जीरो तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए आएगा दैट इज जीरो ओनली ठीक है अब यहां पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर फोर बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए इज़ वन तो ये गलत गलत साबित हो गया ठीक है ऑप्शन नंबर टू बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू वन ट्रेस ऑफ बी के बारे में हमें अभी पता नहीं बट ट्रेस ऑफ ए इज यू नो इज जीरो सो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत अब इस पे बात चलेगी थर्ड और फोर्थ में ठीक है दिस इज यू कैन एलिमिनेट दीज टू ऑप्शन आफ्टर कैलकुलेटिंग ट्रेस ऑफ ए अब आगे आप देखोगे अगेन मैं लिख रहा हूँ कि ए बी इज नेगेटिव बी ठीक है अब की बार आप क्या करोगे यू विल मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स सो आपके पास आएगा नेगेटिव बी ए एंड ए इनवर्स यहाँ पे ठीक है सो दिस विल बिकम ए बी ए इवर्स दैट विल बिकम नेगेटिव बी अब ट्रेस आप अप्लाई करोगे यू विल अप्लाई ट्रेस ऑफ ए बी ए इनवर्स दैट विल बी ट्रेस ऑफ नेगेटिव बी फिर से वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए इनवर्स फिर ए बी एंड यहाँ पे माइनस बाहर तो ट्रेस ऑफ बी तो ये क्या बनेगा इट विल बिकम ट्रेस ऑफ बी ऑनली बिकॉज दिस इज आई एंड दिस विल नेगेटिव टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इसको उधर शिफ्ट करके आपके पास आएगा टू आइस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो तो ट्रेस ऑफ बी आपके पास क्या आएगा ज़ीरो ठीक है तो ट्रेस ऑफ ए बी जीरो ट्रेस ऑफ बी बी जीरो तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर वन ठीक है थैंक यू